दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में बूढ़ी नर्मदा के बारे में जाना और उत्तर तट और दक्षिण तट दोनों के दर्शन किए। यहां से अब हम चल पड़े हैं ढाणा खरगावली से जनकपुर होते हुए कुटी घाट की तरफ। टेढ़े मेढ़े रास्तों से, खेतों के बीच से होते हुए, कुछ कीचड़ को बाजू छोड़ते हुए हम पहुंच रहे हैं जनकपुर घाट, कुटी घाट। हम आ पहुंचे हैं कुटी घाट। पिछले वीडियो में बूढ़ी नर्मदा के बारे में बताते हुए मैंने बताया था नर्मदा किनारे महर्षि वेदव्यास के आश्रम के बारे में। यही वो स्थान है जहाँ महर्षि वेदव्यास का आश्रम हुआ करता था। ये एक प्रसिद्ध संत स्वामी लोकानंद जी की समाधि है। लोकानंद जी के बाजू में एक बूढ़े बाबा लक्ष्मण दास जी की समाधि भी यहीं बनी हुई है। अब आप कुटी घाट जनकपुर से माँ नर्मदा के दर्शनों का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, जो आँखों को शीतलता और मन को शांति देने वाला है। कहा जाता है कि मरना है तो गंगा किनारे जाएं, तपस्या करना है तो नर्मदा किनारे आएं। नर्मदा के हर घाट पर नर्मदा जी के दर्शनों के साथ ही हमें कुछ तपस्वियों के समाधि के भी दर्शन होते हैं, और आज भी कई तपस्वी अदृश्य रूप से माँ नर्मदा के तट पर तपस्यारत हैं। ये भैरव बाबा की मूर्ति भी नर्मदा जी में ही मिली थी, इन्हें यहीं स्थापित कर दिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदा।